नमस्कार, मैं पूजा कपूर और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसले के तहत लैंड पूलिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। इससे बढ़ती शहरी आबादी के लिए जमीन मिलने से नए क्षेत्रों को शहरी विकास हेतु जमीन मिलने का रास्ता आसान हो गया है, तो किसान के साथ प्राइवेट बिल्डर की धोखाधड़ी पर अंकुश के साथ अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लग सकेगा। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस के वीडियो उपाध्यक्ष से कि उनका सपना वो कैसे साकार करेंगे। योजना ये है कि इसके तहत जो भी काश्तकार इच्छुक हैं और जिनका शहर के आसपास एरियाज में जो शहर की बाउंड्री है उसके आसपास जो कि रेजिडेंशियल बन सकता है उसमें आना चाहते हैं, तो वो प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं और प्राधिकरण भी हम भी उस एक्टिवली संपर्क ग्राम प्रधानों से या ग्राम पंचायतों से कर रहे हैं, जिसके तहत उनकी ज़मीन को पूल किया जाएगा। उसमें जो सार्वजनिक सुविधाएँ हैं, सड़कें, पार्क, नाले और एसटीपी वगैरह जो बनना है, उसमें से ज़मीन लेके उसको डेवलप किया जाएगा और बाकी को डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट, रोड के पास आप कमर्शियल कर सकते हैं, ग्रुप हाउसिंग कर सकते हैं और प्लॉट्स कर सकते हैं। तीनों चीज़ डिपेंडिंग ऑन दी कितना वायबल है प्रोजेक्ट, उसके हिसाब से किया जाएगा। इसमें मैं एक किसानों के हित की बात करना चाहूँगा कि जैसे ही, क्योंकि ज़्यादातर जो लैंड है बाहर वो कृषि है, तो लैंड यूज़ कृषि होने की वजह से वो उसमें कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह हमारे साथ आके लैंड यूज़ कन्वर्जन भी हो सकता है और उसके बाद जो उनको उसका दाम होगा, जब भी कोई आवासीय योजना आती है या कमर्शियल योजना आती है तो ज़मीन के दाम लैंड यूज चेंज होने के बाद कई गुना बढ़ जाते हैं, तो उसका लाभ भी उनको मिलेगा। तो ज़मीन जो सरेंडर करेंगे मूलभूत सुविधाओं के लिए, सड़कों वगैरह के लिए, तो उसके करने के बाद भी वो काफ़ी लाभ में रह सकते हैं। तो इस तरह उनके आगे आएँ और जो भी इच्छुक हैं हमसे संपर्क करें। तो ये रहे वीडियो उपाध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि इस मंजूरी से नया वाराणसी बसाने का सपना साकार होगा। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें।